फ्रेंड्स, तो यहाँ बना रही हूँ मैं खाना और चावल बन चुके हैं। व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की है और यहाँ बना रही हूँ मैं राजमा और आलू को मैंने बॉईल कर दिया है, मैश करके इसमें डाल दिया है क्योंकि इससे थोड़ी ग्रेवी थिक हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर चटनी को भून लूँगी और उसके बाद ये राजमा इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें पुदीना, ड्राई पुदीना, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे सब्ज़ी में, आलू की सब्ज़ी में तो बहुत टेस्टी बनता है। तो बस थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे और रेडी है हमारी सब्ज़ी। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो होती है, 9 बज रहे हैं और अभी मैं अपनी चाय पी रही हूँ और उसके बाद हम निकल रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप बने रहना इस व्लॉग में, आपको पता चलेगा। और मैं खा रही हूँ गुजिया जो कल बनाई थी चाय के साथ। तो चलिए मैं अपनी चाय फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9 बज गए। 9 बजे मैं निकलना था लेकिन लेट हो गया। आज का रूटीन रहेगा, आज मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा पूरा दिन का शेयर करूँ आपके साथ क्योंकि आज का मौसम बाहर का रहेगा, तो आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आज छुट्टी कल से टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं, मैं रेडी होती हूँ, चाय फिनिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आ सकती हूँ। और उसके बाद हो गई थी मैं रेडी और ये थी मेरी आज की ड्रेस। और उसके बाद हम निकल गए थे जल्दी से क्योंकि लेट हो गए थे और रास्ते में ये सूट किया था हमने जब जा रहे थे। और पहले मौसम अच्छा था और बाद में थोड़ी सी धूप आ गई थी, लेकिन हाँ बस हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। और पहुंच के हम जब वहाँ गए तो धूप थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। और यहाँ पर जो फिश है, पानी भी है, तालाब है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो यहाँ पे फिश को हमने दाना डाला था। फिर बहुत सारे कौवे आ गए थे यहाँ पे, इतने सारे कौवे थे, फिर उनको भी हमने खाना वाना डाला था तो वो भी पता नहीं क्यों शायद भूखे थे तो बहुत जल्दी खा लेता। उसके बाद इस घर पे आ गए थे हम, ये घर उनका है जिनको हमने अपने खेत दे रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुली जगह थी, यहाँ पर हमने गाड़ी भी खड़ी कर दी थी और ये इन्होंने घर अभी नया ही बनाया है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे। और इन्होंने कुछ नाश्ता वास्ता बनवाया था और ये अंदर से मैंने शूट किया था इनके घर पे। ये किचन है और पास में इनके 2 रूम हैं, तो मैंने थोड़ी सी बस ऐसे ही क्लिप शेयर करने के लिए आपके साथ शूट किया था और अच्छा बना लिया था। इन्होंने घर अभी नया ही बनाया है और यही हमारे खेतों को संभालते हैं, जो हमारे खेत हैं वो यही देते हैं, अभी इन्हीं को दे रखा है हमने। और अभी चने की जो खेती की थी यानी कि उसकी कटाई हो चुकी है, सॉरी मेरे को ये खेती वाले जो ज़्यादा लैंग्वेज आती थी। उसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर के लिए वापस और घर पर आए। घर पर आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम घर पहुंचे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी। पहले तो मौसम अच्छा हो गया था लेकिन बाद में धूप तेज़ हो गई थी, तो अभी घर पे पहुंचे। अभी बज रहे हैं 2:30 और भूख लग रही है, अभी लंच करेंगे। तो खाना बाहर से ही मंगाया है, बस मैं अभी चेंज करने आई हूँ, चेंज करके लंच करेंगे उसके बाद रेस्ट करूँगी। और कल ऑफिस जाना है तो थोड़ी सी मेरी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने धोई नहीं, थोड़े बहुत कपड़े भी मुझे धोने हैं तो वो मैं बाद में धोंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो अभी मैं चेंज करके नीचे जा रही हूँ, लंच करती हूँ, उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर जो भी रूटीन रहेगी थोड़ी बहुत जो भी क्लिप रहेगी वो भी शेयर करूँगी। फिर इस ब्लॉग को पूरा मुझे एडिट भी करना है ताकि आपके साथ जल्दी शेयर कर सकूं। और चलिए पहले मैं चेंज कर लूँ। और उसके बाद हमने नीचे आके किया लंच क्योंकि लंच हमने बाहर से मंगवाया था, बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो मेरी हिम्मत थी नहीं लंच बनाने की, तो हस्बैंड बाहर से खाना लेके आ गए थे और ये हमने लस्सी पी थी। हेलो, तो यहाँ हो रही है डिनर की तैयारी और मैं बना रही हूँ आलू मटर डिनर में। चलिए मैं आलू मटर बनाती हूँ, अभी तक तो प्याज फ्राई होंगे, जब तक गोल्डन ब्राउन प्याज होते हैं तब तक हम वेट करते हैं। फिर इसके अंदर लहसुन डालेंगे और फिर हम बनाएंगे सब्जी। और फिर जल्दी से मैंने यहाँ डिनर बना लिया, आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी बनी थी और मटर अब थोड़े से दिन की ही रह गया। और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर किया, हालांकि मैं यहाँ पे कुछ गुनगुना रही थी लेकिन मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि मार्केट घर है और पीछे बाहर का बैकग्राउंड शोर इतना हो जाता है, इसलिए मोस्टली मेरे ब्लॉग में वॉइस ओवर होता है ताकि मैं आराम से बैठ के शांति वाली जगह पर कर सकूँ। खैर, हमने डिनर किया, रेस्ट किया उसके बाद। और ये है फ्राइडे का, फ्राइडे को सेरी टाइम पर मैं उठी थी तो मैंने चाय और पराठा बनाया था अपने लिए और उसके बाद मैं लेट गई थी और दिन में ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था। ये सीन शरीफ में पढ़ रही हूँ दोपहर के टाइम पे और उसके बाद हम अफ्तारी की तैयारी में लग गए थे। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ और मेरी मदर इन लॉ, मेरी नीस जो है फ्रूट कट कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, अफ्तारी की तैयारी हो रही है और वो बैठी अपनी पढ़ाई कर रही है, उसका लास्ट पेपर है और हम सब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, फ्रूट कट हो रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे बाद में अफ्तारी की तैयारी करके। और रोजी की तैयारी हो चुकी है, सब सज चुकी है प्लेट। हम सब रोज़ा खोल रहे हैं यहाँ पे, दांत इतने के ज़्यादा दिखा रही है।
मैंने पी अपनी चाय मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पी, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद चाय मिलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। अच्छा, उसके बाद ये सैटरडे का है। इवनिंग में मैं जब ऑफिस से आई थी और जब खाना खा के मैं आई थी तो ये बिल्ली आ गई थी, जिसको मैं रोज़ खाना डालती हूँ, तो इसको मैं दूध डाल रही हूँ। यहाँ पर ये रोज़ आती है, इसका टाइम फिक्स है। खैर, उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे यानी संडे, और संडे के दिन भी मुझे ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि क्लोजिंग डे था, तो संडे को भी बुला लेता था। हालाँकि पूरे दिन के लिए नहीं गए, थोड़ी देर के लिए गए थे, और मैं जाने का मूड नहीं था इसलिए मैं कुछ लेके नहीं गई थी, सिर्फ फ्रूट लेके गई थी। और फ्रूट्स मैंने वहाँ पे थोड़े से खाए, फिर भूख लग रही थी, फ्रूट से भी पेट नहीं भरा था। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, यहाँ पे हमने ब्रेड पकौड़ा वगैरह मंगाया था, तो यहाँ पास में शॉप है ऑफिस के, तो हमने यहाँ पे ये खाया। और उसके बाद हम निकल गए थे, ज़्यादा देर नहीं, 2:30 बजे मैं ऑफिस से निकल गई थी, या रास्ते में मैंने शूट किया था। और संडे का दिन आधा मेरा ऐसा निकल गया था, धूप बहुत तीखी हो रही थी। और उसके बाद घर पर आके बहुत सारे कपड़े वगैरह धोने थे, टायर हो चुकी थी, लंच करने का भी टाइम नहीं मिला था। और ये 6 बजे मैं अपनी चाय और पराठा खा रही हूँ। तो बस आज का दिन यहाँ तक ही, संडे तक का मैंने व्लॉग जो भी था वो शूट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपके साथ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।